बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा आर पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन दी स्पेशलाइज्ड सेल नेम्ड एपिडर्मस। अब स्टोमेटा के गिर्द जो गार्डेड सेल्स होते हैं उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स ही कंट्रोल करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमा बाय चेंजिंग शेप्स। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की दो थ्योरीज हैं, स्टार शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, दूसरी थ्योरी है पोटाशियम पंप थ्योरी। पहले देखते हैं स्टार शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी को। इसका पहला स्टेप है डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है इन फोटोसिंथेसिस। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गार्ड सेल मेक दी मीडियम अल्कलाइन। तो इसकी पीएच जो होती है वो बेसिक हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। ड्यू टू हाई पीएच स्टार प्रेजेंट इन गार्ड सेल इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर सो द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल डिक्रीजेस। इस तरह वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। वाटर एंटर्स गार्ड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल। वाटर एंटर होगा बाहर से। इन दिस वे गार्ड सेल बिकम टर्जेट एंड कॉज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। द स्टोमेटा क्लोज इन द फॉलोइंग वे। स्टोमेटा कब जो है वो क्लोज होता है? ड्यूरिंग नाइट। नो फोटोसिंथेसिस अकर सो द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गार्ड सेल इंक्रीजेज। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीडियम को एसिडिक कर देती है। एसिडिक होने की वजह से शुगर प्रेजेंट इन गार्ड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। स्टार्च इन सॉल्युबल इन वाटर है सो वाटर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेज। एज अ रिजल्ट वाटर मूव फ्रॉम गार्ड सेल टू एडजेसेंट एपिडर्मल सेल। इन दिस वे गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा क्लोज। नेक्स्ट थ्योरी है पोटाशियम पंप थ्योरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी पोटाशियम आयन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नंबर वन, ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर डिक्रीजेज होती है, जिसके नतीजे में स्टिमुलेशन होती है पोटाशियम आयन की फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इंटू गार्ड सेल। उसी टाइम मैलिक एसिड प्रेजेंट इन गार्ड सेल आयोनाइज इनटू मालेट एंड हाइड्रोजन आयन। पीएच को मेंटेन करने के लिए गार्ड सेल हाइड्रोजन आयन को पंप्ड करता है सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स में, और पोटाशियम आयन कंबाइन हो जाता है मालेट आयन से और बनाता है पोटाशियम मालेट। पोटाशियम मालेट ये सॉल्युबल इन वाटर है सो इट डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल। तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, नतीजा तो वाटर फ्रॉम सराउंडिंग एपिडर्मल सेल मूव इनटू गार्ड सेल। अब स्टोमेटा क्लोज किन तरीकों से होता है? नाइट टाइम पोटाशियम मालेट ब्रेक इनटू मालेट एंड पोटाशियम आयन। द मालेट आयन कंबाइन अगेन विद हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म मैलिक एसिड। नंबर थ्री में रिलीज पोटाशियम आयन मूव फ्रॉम गार्ड सेल टू एपिडर्मल सेल। और नंबर फोर पे इस तरह वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज एंड वाटर मूव फ्रॉम गार्ड सेल टू एपिडर्मिस सो द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमा क्लोजेस।